विदिशा जिले के कुरवाई नगर में मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी संघ ने खाद्य मंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में कुल आवंटन में अधिकांश दुकानों पर कटौती कर खाद्यान्न आवंटित किया गया है। जिला अध्यक्ष राजेंद्र कटारे ने बताया कि हमसे कोरोना काल में ऑफलाइन खाद्यान्न आवंटित करवाया गया था और पूर्व में भी मशीनों का सही तरीके से संचालन नहीं होने पर भी स्टाफ की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई और उसे घटाया नहीं गया है। हालत यह है कि कहीं शक्कर नहीं है तो कहीं नमक, कई बार तो मारपीट की नौबत भी आ जाती है। अनुविभागीय अधिकारी आरती यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश पर माह के पहले सप्ताह में खाद्यान्न दिवस मनाना है, जो कि जनवरी में 7 जनवरी को मनाया गया। उचित मूल्य के वितरकों का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न नहीं है, उनके ज्ञापन पर विचार कर जिला प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है, आज सहकारिता समिति के राजेंद्र कटारे जी जो जिला अध्यक्ष हैं, उनकी लेटर पैड पे ज्ञापन प्राप्त हुआ है और आप लोगों को विदित होगा कि माननीय सीएम साहब के इनोवेशन से अन्न उत्सव मनाया जाना है प्रत्येक महीने के पहले हफ्ते में और जनवरी में यह 7 जनवरी को मनाया जाना है, जिसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी हितग्राही हैं उन सभी को और अधिकतम लोगों को खाद्यान्न मिल जाए। इसी कार्य को पूरा करने में जो बेसिक प्रॉब्लम जा रही है और जिसके लिए ज्ञापन मिला है कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें जबकि हमारे पास उतना खाद्यान्न स्टॉक में है ही नहीं और हमारे खाद्यान्नों की कटौती भी की गई है, तो निश्चित तौर पे इसके लिए जिला प्रशासन को अवगत कराया जाएगा और इस समस्या का निदान किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।